नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं दादरा व सादरा गायन शैली के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे दादरा गायन शैली के विषय में। दादरा गायन शैली एक उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। उपशास्त्रीय मतलब सुगम संगीत की, मतलब ये सेमी क्लासिकल है। इसको दादरा, कहरवा और दीपचंदी तालों में गाया जाता है। इसमें लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि दादरा एक ताल भी है और दादरा एक गायन शैली भी है। यह गायन शैली बहुत प्रचलित है। इस शैली के प्रमुख गायिकाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें आपको याद रखना होगा। पहला है गिरजा देवी, दूसरा है गंगूबाई और तीसरा है सुनंदा शर्मा। और प्रमुख गायक बनारस के छन्नूलाल मिश्रा जी। इस शैली के प्रचार में और प्रसार में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इस शैली में श्रृंगार रस की और भक्ति रस की प्रधानता होती है। यह आमतौर पर मध्यलय में गाया जाता है। जो दादरा है वो मध्यलय में गाया जाता है। श्रृंगार रस और भक्ति रस, इसमें इन दो रसों की प्रधानता होती है। सेकेंड इज सादरा। यह शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की निबद्ध गायन शैली के अंतर्गत आती है। आमतौर पर कहा जाता है कि सादरा ध्रुपद अंग से झपताल में गाई जाने वाली बंदिश है। मध्यकाल में यह ध्रुपद अंग से गाई जाती थी, परंतु ये ध्रुपद की तरह गंभीर नहीं थी और ना ही इसमें ध्रुपद की तरह नोम तोम और लयकारियों का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे यह शैली लुप्त हो गई, परंतु आजकल जो सादरे सुनने को मिलते हैं वो ख्याल गायकी के अंग में गाए जाते हैं। इसमें आलाप तान का प्रयोग किया जाता है। सादरा शैली में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, पहले जो गाई जाती थी यानी मध्यकाल में, वो ध्रुपद अंग से गाई जाती थी और अब गाई जाती है ख्याल अंग से। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।